मेरे पापा दे ऑफिस वाला ने ना चॉकलेट ब्राउनी केक पे जैसी शायद चॉकलेट ब्राउनी है, मैनू इन्ना ना नहीं पता। मैनू इन्ना जरूर पता है कि यह चॉकलेट वाला केक है। तो फिर यह भी बड़ा मज़ेदार सी, सुन बड़ा मज़ेदार लगा सी। तुसी कह रहे हो गए हर व्लॉग च बड़े मज़ेदार सी, बड़ा टेस्टी सी, बड़ा मज़ेदार सी। हाँ जी, यह मेरा डायलॉग है जरा मैं ना चाह के भी नहीं भूल सकती, लेकिन कभी कभार व्लॉग में मैं ना चाहते हुए भी भूल जाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं बार बार ये कहती हूँ मज़ेदार है, मज़ेदार। तो वाकई मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो फिर हमने उसके बाद केक कट किया है, तो पापा की बर्थडे थी, लेकिन हमें बुरी बेचैनी हो रही थी कैसा होगा, किंजदा नहीं होगा। तो फिर आप ही देख सकते हैं केक अपनी औकात से बाहर हो गया था। तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने की चीज़ नहीं है, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम मुस्लिम हैं। तो फिर उसके बाद मम्मा ने पापा की हैप्पी बर्थडे की खुशी में आज बनाई थी बिरयानी, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आपने आपको ये शक्ल से ही टेस्टी लग रही होगी, क्योंकि ना मेरी मम्मा के हाथ का जो खाना होता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो ना टेस्टी बने। और मुझे ना चिकन की बोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहूँ तो पूरी भी खा सकती हूँ, पूरी मुर्गी की खा सकती हूँ। तो आपको पसंद है या नहीं पसंद कमेंट में ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना कि आपको चिड़गा पसंद है या नहीं। मुझे नहीं पसंद क्योंकि उसमें से अजीब सा हमक आता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद पापा की बर्थडे थी और पापा के ही पैसे खर्च हुए, और ये पिज्ज़ा भी बहुत मज़े का था। मुझे ऑलवेज इसके ऊपर जो सब्जियाँ होती ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सिवाय चिकन के। और उसके अलावा पापा लाए थे मछली, या मछली लग रही है मुझे, आपको लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर उसके बाद ये भी टेस्टी थी। इसके साथ ना वो लीमू मिलता है जो कि हमें नहीं मिला था। तो फिर मुझे ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा व्लॉग। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना भूलना मत।